बढ़िया से 5 से 7 बार इसको मिक्स करना है ऐसे, ठीक है। छिटकनी रखना है, घर का छिटकनी है लकड़ी का दरवाजे का। तो हे गाइस, सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज मैं वीडियो टॉपिक लेके आया हूँ, क्या बोलिए। तो ये तो अभी पेपर दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये पेपर से मैं रंग मशाल का खोल आप लोग को पहले दिखा दूंगा कि किस साइज पेपर लेना है, कैसे रोल करना है, किस साइड से करना है। आज का कॉम्पोजिशन जो है वो डार्क पिंक फ्लैश टॉर्च का है, ठीक है। मतलब बंगला में बोला जाता है गोलापी रंग मशाल, ठीक है। तो आज के अभी रंग मशालटा দেখাবো গোলাপির উপরে, মানে পিঙ্ক কালার। তো সেই কম্পোজিশনটা আমি একটু শেয়ার করব। তো সবার প্রথমে আপনাদেরকে বলে দিই যে এই এটা হচ্ছে রং মশালের খোল, ঠিক আছে। তো ইয়ে হ্যাঁ রং মশাল কা খোল আপ দেখ পা রে হ্যাঁ। আর ইয়ে হ্যাঁ 12 mm পাইপ যে স্কাই শট হাম লোক টিউব বানা রে হ্যাঁ, ইসি সে হি বানতা হ্যায় দেখ সকতে হ্যায়, ইসি সে বানতা হ্যায়, ঠিক হ্যায়। তো মানে রেডি কর রা হ্যায় ইধার, আব ইসকো এসে নিকাল লেঙ্গে। और देख सकते हैं पेपर साइज है ये, ठीक है। तो ये पक्का है आपका 12 से 13 इंच, ठीक है। 12 इंच ही है, पकड़ लीजिए। तो 12 इंच काफ़ी है रंग मशाल, इससे बड़ा बनाइएगा तो अलग लेवल का होगा। ये A4 साइज पेपर है, इधर कम है इधर ज़्यादा है। तो ज़्यादा का साइड से आपको लाइक 12 इंच साइड से इसको, मेरा थोड़ा पाइप छोटा है मैं इसलिए ऐसे करके करूँगा, इसको ऐसे करना है, ठीक है। ऐसे करके अच्छे से रोल कीजिए, ठीक है। रोल करने के बाद इधर गोंद लगा दीजिए, चिपका दीजिए धूप में 1-1.5 घंटा सुखा दीजिए। उसके बाद हो जाएगा आपका रंग मशाल का खोल। अब चलते हैं हम लोग डार्क पिंक कॉम्पोजिशन का पीछे, मतलब कॉम्पोजिशन बनाएंगे। चलिए पॉइंट चलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो फटाका का लवर है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ऑन करने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ को रख के टेयर कर लेंगे। क्या क्या चाहिए? चाहिए आपको स्ट्रोंसियम नाइट्रेट, और मेरे पास अभी चम्मच है नहीं तो मैं ऐसे ही वजन कर लूँगा, ठीक है। कितना चाहिए स्ट्रोंसियम नाइट्रेट? 50 ग्राम, तो 50 ग्राम हम लोग वजन कर लेंगे। पचास ग्राम हो गया। अब लेना है आपको पायरो, यानी कि 999। कितना लेना है पायरो? 10 ग्राम, ठीक है। तो 10 ग्राम ले लेंगे पायरो। चम्मच थोड़ा दूर चला गया था, देख सकते हैं मैं पायरो ही दे रहा हूँ। 10 ग्राम पायरो यानी 60 होगा। ठीक है, तो 50 ग्राम हम लोग दे दिए स्ट्रोंसियम नाइट्रेट, पायरो दे दिए 10 ग्राम। अब देंगे हम लोग क्या? मैग्नीलियम यानी धोखा, देख सकते हैं आपके सामने है। धोखा हम लोग को देना है यानी मैग्नीलियम देना है 12 ग्राम, ठीक है। आप इसको 13-14 ग्राम भी दे सकते हैं, तो मैं अभी 12 ग्राम ही दूंगा। इसको टेयर कर लेते हैं पहले, 72 होगा, ठीक है। चलिए 12 ग्राम दे देते हैं धोखा। ये चम्मच में 1 ग्राम करीबन है, ये मैं दे दूंगा, ठीक है। 13 ग्राम हो गया। आप धोखा को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, इफेक्ट अच्छा आएगा। कम नहीं दीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही दीजिएगा, 1-2 ग्राम, इफेक्ट अच्छा है, ठीक है। तो सभी केमिकल यूज़ होने के बाद डब्बा में रख दीजिए अच्छे से। अब हम लोग क्या चाहिए बोलिए तो, क्या लग सकता है? अब चाहिए सल्फर, ठीक। इसको कितना लेना है सल्फर को? लाइक कीजिए तभी बताऊँगा,
ठीक है, कर दिए होंगे। चलिए इसको कर लेते हैं टेयर। सल्फर हम लोग को देना है 10 ग्राम, ठीक है। टेन ग्राम सल्फर, ठीक है। इसको भी ले लेने के बाद करना क्या है, इसको उतार लेना है, फिर इसको साइड कर देना है ऑफ करके, ठीक है। और सॉरी, और एक चीज़ देना है इसमें, ठीक है, मैं भूल गया था, पीवीसी, ठीक है। तो चलिए, होता है, कोई बात नहीं, पीवीसी हम लोग दे देंगे, पीवीसी रहा पीवीसी, ठीक है। चलिए पीवीसी को दे देते हैं। पीवीसी देना है 14 ग्राम, ठीक है। चौदह ग्राम पीवीसी हो गया। आज मैं थोड़ा स्ट्रॉन्शियम को धूप खिला के उसको पाउडर कर लिया हूँ, आधा करीबन, आधा अभी धूप खा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको उतार लेते हैं। तब लोग का लास्ट में मैं इसका कंपोजिशन का जो लिस्ट है मैं दे दूँगा, आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए, क्योंकि मैंने थोड़ा गलती किया था, ठीक है। आपका करना है, अगर कोई भी पॉलिथीन ले लेना है, ठीक है, पॉलिथीन के ऊपर चाहिए आप लोग चालू, ठीक है। चालू में इसको डालना है बढ़िया से, बढ़िया से 5 से 7 बार इसको मिक्स करना है ऐसे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करके आता हूँ, क्योंकि कैमरे में देख सकते हैं थोड़ा अलग हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको 5 बार चान लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने 60 में चलनी से 3 बार चलनी है, उसके बाद देख सकते हैं जो टी छलने वाला जो स्टेनर होता है, ये भी 60 में से थोड़ा घना है, ठीक है। तो इससे मेरा बीवी कर दे रहा है, क्योंकि उसका थोड़ा इंटरेस्टेड है फायर कैकर में, वो भी पिंक कलर में, तो इसलिए वो मेरा हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कीजिएगा, मतलब 3 बार होगा 60 में चलनी से, जिससे हम लोग आटा वाटा छानते हैं, गेहूँ का आटा होता है ना, आटा मैदा, उसी से 3 बार किया मैंने। और इससे कितना बार चल रहा है, 3 बार, तो 6 बार हो गया, 3 बार चलनी से, 3 बार ये टी छानने वाला स्टेनर से, ठीक है। तो और एक बार करेंगे हम लोग, ठीक है, और एक बार होगा, मतलब ये जब फुलफिल हो जाएगा नीचे, चलना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक बार और इसको चलने लेंगे। तो टोटल होगा 4 बार, 4 बार होगा स्टेनर से, 3 बार होगा वो स्टनर से, ठीक है। देख सकते हैं मसला कितना फाइन हो गया है, ठीक है, इतना फाइन होना चाहिए, हो सके तो इससे भी फाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए और एक बार चाल लेते हैं, उसको बताते हैं, और मैं दिखाऊंगा कि किससे कैसे रंग मसाला को पाइपिंग किया जाता है। तो दोस्तों मसाला को हम लोग अच्छे से छान लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा सा लेके टेस्टिंग इफेक्ट देखने के लिए। ऑब्वियसली ये धोखा पाउडर, मतलब मैग्नीडियम इसमें ऐड हुआ है, इफेक्ट स्टोव जैसे ही आए, हाँ थोड़ा फास्ट होगा। चलिए हम लोग चलते हैं टेस्टिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको दे देंगे कुछ पतला करके, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इस पेपर से हम लोग दे दिए, ठीक है। अब करेंगे 3-2-1। तो 3-2-1 करने से पहले फ्लैश को करेंगे ऑफ, और आज मेरे पास एक नया लाइटर है, और इसका भी गैस ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हीटर लाइट है, ठीक है। तो चलिए फ्लैश को करते हैं ऑफ, और नया वाला लाइटर को करते हैं ऑन। देख सकते हैं दोस्तों
कैसा इफेक्ट आया है जरूर बताइएगा। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि हम लोग धोखा थोड़ा 1 ग्राम ऐड किए हैं, तो आप लोग 1 ग्राम कम करके भी कर सकते हैं। और ये मसाला जब रंग मसाला का खोल में टाइट होगा तो ये शायद थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं खोल को फिलिंग। तो दोस्तों ये है रंग मसाला का खोल, ये है 12 mm और मतलब आधा इंच के करीबन है। ठीक है, इसको फिलिंग करने से पहले एक साइड हम लोग बंद कर लेंगे, जिस साइड पाइप हम लोग नहीं घुसा पाए थे तो ये थोड़ा अनटाइट है, इधर से हम लोग इसको बंद कर लेते हैं। ठीक, जिस प्रकार से बंद करेंगे ताकि मसाला ये सॉरी बालू इधर निकल ना जाए। ठीक है, ऐसे इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब करना क्या है, अच्छे से इसको करिएगा, बालू निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर देंगे, हो सके तो यहाँ पे टेप लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ले लेना है थोड़ा सैंड यानी बालू, इसको इधर भरना है, कुछ इस प्रकार से भरेंगे। बालू देखते से ठोकते रहना है, ठीक है, ताकि बालू टाइट बैठ जाए अंदर। ऐसे डीपली इसको ठोकना है नीचे, देख सकते हैं बालू बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बालू हम लोग दिए 3.5 इंच करीबन। ठीक है, अब करना क्या है, कोई भी एक पेपर हो या कुछ भी हो यहाँ पे डाल दे सकते हैं, क्योंकि बालू थोड़ा सूखा है तो जब हम लोग इधर से मसाला को डालेंगे थोड़ा तो बालू के साथ मिक्स हो जाएगा। चलिए अभी डालते नहीं है, चलिए अब करते हैं इसको फिलिंग। ऐसे लेना है चम्मच, इधर रखना है खोल, ऐसे ढकेलना है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा ऐसे करने के बाद ठोक देना है, नीचे चल जाएगा। ठीक है, और एक आप लोग को ऐसे छिटकनी रखना है, घर का छिटकनी है लकड़ी का दरवाज़ा का, ये 10 mm है, इसको अंदर घुसा के इसको टाइटली नीचे की तरफ प्रेस करना है ताकि मसाला टाइट हो जाए और एयर पॉकेट ना बने अंदर। ठीक है, एयर पॉकेट मतलब हवा ना पकड़ जाए मसाला में, टाइटली इसको फील करना है। ऐसे भी मत राइट कीजिएगा, पेपर यहाँ से फाड़ दे पड़ा है, देख सकते हैं मेरे तरफ पैसे ज़्यादा थे इसलिए मुचक गया था, तो टूटा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसा करते ऐसा करके फिल करना है। ठीक है, फिर देंगे सिटके में, फिर ऐसा करना है। टाइट करना है, जितना टाइट कीजिएगा उतना अच्छा चलेगा और रंग मसाल ब्लास्ट होने का चांस नहीं रहेगा, हवा रहने से रंग मसाल ब्लास्ट कर जाता है भट कर। तो ये आज टेस्टिंग वीडियो एक साथ मैं देख के छोड़ूंगा, लास्ट में उसका टेस्टिंग भी होगा, बने रहिए, छोड़ कर मत जाइए नहीं तो मिस कर जाइएगा। और हाँ, मैं जो मसाला टेस्ट किया उसमें आँख में खाली आँख में तो दिखाई दे रहा है पिंक, लेकिन पिंक कॉम्पोजिशन बनाए कैमरा में रेड रेड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखिए, अगर ख़राब हुआ तो कमेंट बॉक्स फाँका है, गाली दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पता नहीं यार मेरा कैमरा उल्टा सोचता है, जब रेड बनाता है तब पिंक दिखाई देता है, जब पिंक बनाता है तब रेड दिखाई देता है, देख सकते हैं कितना मेहनत लगता है टाइट करते हैं, एक लाइक तो होगा ही। मसला ऐसा टाइट होना चाहिए दबने से पिचके ना, देख सकते हैं कितना टाइट है। ठीक है, अच्छे से फिर एक बार धकेल देंगे अंदर की तरफ।
ऐसे ही रंग मसाला को गाँथा जाता है। लास्ट में मुँह का सामने थोड़ा ब्लैक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, आधा इंच से हाफ, ठीक है, यानी 2-3 mm, ताकि कैंडल बंधने से जल्दी पकड़ ले। मैं तो यहाँ पे अभी ब्लैक पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक फ्यूज़ को पकड़ लीजिए, फ्यूज़ है, फ्यूज़ को इधर इधर 1 इंच रख के, इधर 1 इंच रख के मिडिल में प्रेशर दे दूँगा, घुस जाएगा, दो फ्यूज़ एक साथ निकला जाएगा, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने दिखाया, वैसे ही करूँगा, ठीक है। फाँका रखूँगा थोड़ा और लास्ट में टेस्टिंग करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये फिलिंग हो चुका है। मैं थोड़ा फंका रख रहा हूँ कि यहाँ पे फ्यूज़ देख के मैं यहाँ पे इग्नाइट होने का जगह रखूँगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे फ्यूज़ लगा लेता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं कैसे बना। यहाँ तक है, ये आपका है 3, 3, 6, 7 इंच, ठीक है, 7, 7.5 इंच का रंग मसाला है। चलिए टेस्ट करते हैं अब। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्यूज़ को मोड़ के डाल के यहाँ पे थोड़ा पाउडर देके इसको टाइट कर लिया, अब है टेस्टिंग के बारी। तो चलिए, मेरे ख्याल से कैमरा में थोड़ा रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको पिंक मतलब कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन खाली अक्स से ये ब्राइट पिंक हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा, मैं इसको ऐसे गार्ड कर दूंगा, लेकिन इधर जो फोकस होगा वो थोड़ा गौर करिएगा, मेरे ख्याल से रेड ही आएगा शायद। फिर जब रेड कंपोजिशन बनाया तब पिंक दिखाई दे रहा है, जब पिंक बना है तो रेड दिखाई दे रहा है, कैमरा में शायद भूत घुस गया है, ठीक है। चलिए 3, 2, 1, फ्लैश को करते हो ऑफ, लाइटर को करते ऑन, कभी कभी आप लोग भी बोलिए, अच्छा लगता है। पिंक ही दोस्तों मैं थोड़ा गार्ड करूँगा, ये पिंक ही है, ठीक है, ये पिंक कलर है, ठीक है, देख सकते हैं कलर कैसा है, जरूर बोलिएगा, थंबनेल ले लेता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं ये 7 इंच 7.5 इंच का था, ठीक है, अभी 2 इंच चला है, 2.5 इंच चल गया। कितना प्राइस है उसको देख सकते हैं, मैं अगर गार्ड कर लूँ, ठीक है, लास्ट में वाइट जल गया, पता नहीं यार वाइट जला क्यों, मेरा हाथ जल गया शायद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, लड़ेंगे तब तक, सॉरी, जय हिंद, वंदे मातरम, लड़ेंगे तब तक, जिएगा जब तक। आज थोड़ा माइंड में प्रेशर है, कब कैसे थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया। चलिए मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।